ताऊ खटर या वो कौम है कि जिस टाइम जनरल डायर ने लाशों के ढेर लगा दिए थे उस टाइम ना डरी थी या तो तेरा तो सौदा एक है, तू कायर जर्नल है तो तेरा सौदा कुछ नहीं है, कदे दबाना चाहता हो ये दबने वाले नहीं है, जितना तू छेड़ेगा उतने उकसेंगे। बड़ी शर्म की बात है, तुमने शर्माना चाहिए 38-40 हज़ार की नौकरी के बाबत तुम अपनी माताओं बहनों के गिरेबान में हाथ डालो हो, डूब मरण की बात है भाई। मैं प्रशासन वाले भैया ने कहूँ बहुत ही घिनौनी हरकत है तुम्हारी कि तुम्हें फीत लगा देंगे, प्रमोशन कर देंगे या तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। वो सरकार का लालच थार दोरा हो गया, मार दोरा नहीं है, हमारे अंदर किसानी भरी है। और ये झांसी की रानी कभी माँ शेरावाली और जब कभी काली का रूप ले लेती है ना तो बड़े बड़े आके छक्के छोड़ाए हैं। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम? मेरा नाम गीता लाउत, रोहतक से। जिस तरीके से परसों का जो सारा प्रकरण होया उसमें हमारी एक ताई थी वह जगह थी, यानी उस साइड जो घर हैं प्रशासन उन घर का बारना आगे पहुंच गया था, और यानी दो घर मत है जो बतावे हैं कि दो किसानों ने ठह के ले आए हैं और एक ताई ने बीच में बढ़कर साइड करके पुलिस वाले ने और वो निकाले हैं। हालांकि बताऊं भाई पुलिस वाले जो जेंट्स पुलिस थी, बोल रहा जी मिनट, जो जेंट्स पुलिस थी उनने लेडीज आके हाथ तक पकड़े हैं। के मानो देखो तानाशाही सरकार है और सरकार का इतना दबाव है प्रशासन पर, लेकिन प्रशासन ने शर्माना चाहिए कि सरकार जो चाह रही वो ये कर रहे हो। किसान और जवान, माँ बाप बेटे सबको बिठाना चाह रही है और वो तुम कर रहे हो, तो बड़ी शर्म की बात है। तुमने शर्माना चाहिए 38-40 हज़ार की नौकरी के बाबत तुम अपनी माताओं बहनों के गिरेबान में हाथ डालो हो, डूब मरण की बात है भाई। मैं प्रशासन वाले भैया ने कहूँ बहुत ही घिनौनी हरकत है तुम्हारी, तुमने शर्म आनी चाहिए कि जो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तुमने कति जमीर बेच दिया कि अपना जमीर बेच दिया कि ये पूछना चाहो ये देश की जनता। और मैं तारीफ करती हूँ उस माता की, उस झांसी की रानी की, जो उसने मारा रैपटार उसको जवाब दिया कि ये झांसी की रानी तुम्हारे से डरने वाली नहीं है, तुम बंदे हो गए अपने सरकार के हथकंडों में, तुम लालच दे रखा होगा तेरी सरकार ने कि तुम्हें फीत लगा देंगे, प्रमोशन कर देंगे या तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। वो सरकार का लालच थार दोरा हो गया, मार दोरा नहीं है, हमारे अंदर किसानी भरी है। और ये झांसी की रानी कभी माँ शेरावाली और जब कभी काली का रूप ले लेती है ना तो बड़े बड़े आके छक्के छोड़ाए हैं वही। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम मोनिका, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से रोहतक की महिला जिला प्रधान। तो जो परसों प्रकरण होया उसके समर्थन में आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम अपने साथियों को समर्थन में आए और इनको बताना चाहवा है कि टिटोली धरने में जो रोहतक का धरना है, हम रोहतक की तरफ से कहने आए कि जब भी हमारे जरूरत पड़ेगी हम अपने भाइयों के साथ में यहाँ पर खड़े हैं। और इस मोदी सरकार को बताना चाहे हैं कि जो ये किसान को कीड़े मकोड़े समझ रही है ना, ये कीड़े मकोड़े समझना बंद कर दे, क्योंकि ये किसान है, अगर फसल बोना जानता है तो काटना भी जानता है। और अब की बार 2024 में हम बीजेपी की फसल को काटने का काम करेंगे। ताई जी आप भी आ जाओ। खट्टर सरकार ने बताना चाहा है ताऊ खट्टर या वो कौम है कि जिस टाइम जनरल डायर ने लाशों के ढेर लगा दिए थे उस टाइम ना डरी थी या तो तेरा तो सौदा एक है, तू कायर जनरल है तो तेरा सौदा कुछ नहीं है, कदे दबाना चाहता हो ये दबने वाले नहीं है, जितना तू छेड़ेगा उतने उकसेंगे, ये ध्यान रख लिए इस चीज। हाँ जी। देखिए भाई साहब, इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है या प्रधानमंत्री है, इतने प्रधानमंत्री आ लिया, हमने आज तक 15-15 के सीटर की रैली नहीं देखी, आज तक 15-15 रैली किसी प्रधानमंत्री नहीं निकली। ये प्रधानमंत्री है, बसा के ऊपर लिख दिया मोदी की गारंटी, टीवी पर डाल मोदी की गारंटी, यह गारंटी किस चीज़ की है भाई, समझ में आई आपको? यह गारंटी है ना घर बसा मारा ना बसन देंगे थारा। चलो ताऊ जी धन्यवाद भाई, साउंड चल पड़ा उस साइड। और फिलहाल पूरा टिटोली धरना यानी कमेटी आई है, कई गामा का समर्थन ले गए, खेड़ी जो धरना चल रहा है उसका समर्थन करने खातर। बाकी जो बातचीत आपने सुनी उन बातों में आपका के कुछ मानना, जुनू आपने अपने विचार देने। जय जवान जय किसान।